71 साल पहले ये देश बना और उसी वक्त शुरू हुई मेरी कहानी। मेरी जिंदगी रही है टाइगर। इस मिशन में तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। के शहरों के नाम लेते और तेरा घर वहां पर हुआ तो तू हाथ उठा ले। मेरठ, फरीदाबाद, ग्वालियर। अभी साउथ फिल्म और बॉलीवुड फिल्म की कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम सभी लोग सलमान खान की आने वाली टाइगर 3 फिल्म को लेकर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इस फिल्म को लेकर अभी एक पोस्टर भी देखने को मिला है। इस पोस्टर को देखकर लग रहा है कि टाइगर 3 फिल्म काफी बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर इस फिल्म कब रिलीज होने वाली है और इसमें स्टारकास्ट कौन रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सलमान खान फिल्म बोलने से लोग बड़े बेताब रहते हैं क्योंकि अभी टाइगर 3 फिल्म को लेकर लोगों का एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए अभी स्पाई यूनिवर्स की कोई भी फिल्म हो काफी बड़े लेवल में बनाने में दम रखती है। इससे पहले स्पाई यूनिवर्स की तरफ से पठान फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी और पठान फिल्म लोगों के बीच भरपूर प्यार मिला है। अब इसी तरह स्पाई यूनिवर्स की तरफ से एक और बड़ी फिल्म टाइगर 3 मूवी आने वाली है। टाइगर 3 फिल्म में इस बार एक बड़ी खतरनाक एक्शन लेवल में देखने को मिलने वाली है। बता दें इस फिल्म में हमें मेन लीड रोल में सलमान खान को देखने को मिलेंगे ही और इनके साथ बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म में फीमेल के रोल में कैटरीना कैफ को देखने को मिलने वाली है। इनके अलावा एक और सुपरस्टार इमरान हाशमी विलन के रोल में देखने को मिलने वाले हैं। पहली बार इमरान हाशमी और सलमान खान टाइगर 3 फिल्म में नजर आने वाले हैं। वही बात करें इस फिल्म को बॉलीवुड की जाने माने डायरेक्टरों में से एक मनीष शर्मा निर्देशन द्वारा बनाया जाएगा और इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस करने वाले हैं। इस फिल्म काफी दमदार होने वाली है। अब इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आई है। अब इस बार सलमान खान के साथ एक और सुपरस्टार शाहरुख खान को भी देखने को मिलेंगे करके खबर आ रही है। शाहरुख खान की पठान फिल्म देखने के बाद लोगों के बीच इनका पहचान एक बड़े सुपरस्टार तौर पर जानने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आखिर टाइगर वर्सेस पठान एक बड़े स्क्रीन में एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। अब इसी खबर को सुनकर लग रहा है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। अब सुनने को ये भी मिल रहा है कि टाइगर 3 फिल्म पठान फिल्म से कुछ कनेक्शन जरूर होने वाली है। अब ये तो आने वाले समय बताएगा कि टाइगर 3 फिल्म में शाहरुख खान के देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि जब तक इस फिल्म की एक ट्रेलर नहीं आती तब तक ये फिल्म कैसा रहेगी कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे ट्रेलर रिलीज होगा उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये फिल्म कैसा होने वाली है। वही बात करें इस फिल्म की एक टीजर भी बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाली है, उसके बाद ट्रेलर को भी देखने को मिल जाएगी। सुनने को मिल रहा है कि इस फिल्म की ट्रेलर 28 सितंबर 2023 में रिलीज करेगी करके खबर आ रही है। यानी सलार फिल्म की रिलीज डेट में टाइगर 3 फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं। अब सोच सकते हो आखिर यशराज फिल्म मेकर्स ने किस तरह प्लानिंग करते होंगे। इससे पहले आपने सलमान खान की टाइगर जिंदा है फिल्म देखे होंगे। इस फिल्म में सलमान खान की एक्शन काफी दमदार था। अभी इसी के सीक्वल को लेकर टाइगर 3 फिल्म आने वाली है। इस फिल्म को 10 नवंबर 2023 में दिवाली मौके पर रिलीज करने वाले हैं। यानी इस फिल्म को देखने के लिए और 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अब सोच सकते हो इस फिल्म को 300 करोड़ के बजट में बनाने वाला है। इसका मतलब ये फिल्म सुपर हिट साबित हो सकती है। इससे पहले इस फिल्म को 21 अप्रैल में रिलीज करने की पूरी प्लानिंग था, लेकिन कुछ कारण की वजह से इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब फाइनली 10 नवंबर 2023 में बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म को देखने के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लेना। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।